हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट बर्तन कौन से होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एज अ पेरेंट्स अपने साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट जब बात अपने बच्चे की आती है तब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हम सब ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि एल्युमिनियम, पीतल, लोहा के बर्तन उतने ठीक नहीं होते हैं, पर हम इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि इग्नोरेंस में आप अपने बच्चे को हार्म ना करें। पुराने ज़माने में ये परंपरा थी कि जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करे तो वो चांदी के बर्तन में ही करे। दरअसल चांदी यानी सिल्वर में ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए चांदी के बर्तन से आहार देने या पानी पिलाने से सेहत संबंधी कई बेनिफिट्स होते हैं। चांदी के बर्तन कई प्रकार के माइक्रोब से बचाए रखने में और उन्हें नष्ट करने में कारगर होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा चांदी के बर्तन से खिलाना चाहिए ताकि वो किसी भी संक्रमण से बचे रहे। शुद्धता बढ़ाने में कारगर है चांदी। चांदी के बर्तन में पानी, दूध या कोई और लिक्विड पदार्थ रखने से उस चीज़ की फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। पहले के समय में लोग पीने का पानी चांदी के बर्तन से ही पीना बेस्ट मानते थे, क्योंकि इससे पानी की शुद्धता बढ़ती है। और हमारे देश में एक प्रथा है कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो अगर रिवर क्रॉस करते हैं तो एक विश मांग के नदी में कॉइन फेंकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से विश पूरी हो जाती है। चलिए इसकी साइंटिफिक हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग अपने राज्य के पथों पे पानी के बड़े बड़े बर्तन रख देते थे और उसमें चांदी के कुछ कॉइन्स डाल देते थे। सिल्वर पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइसिस से पानी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी प्योरिटी बढ़ जाती है। अब हर कोई तो अपने कॉस्टली कॉइन्स यूं ही पानी में डालेंगे नहीं, सो विश वाली बात जोर दी गई होगी। खैर, ये हुई इतिहास की बातें। तो हम समझ गए कि चांदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को अगर चांदी के बर्तन में खिलाया जाए तो उनको इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। चांदी शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए खासकर बच्चों को चांदी के बर्तन से आहार दिया जाए तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ठीक तरह से खाना नहीं खाते हैं और वो लोग बाहरी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। चांदी दिमाग को शांत रखती है। चांदी का स्वभाव ठंडा माना जाता है। इसमें खाना खाने से मन शांत रहता है। गर्मी के मौसम में बच्चों को चांदी के ग्लास में दूध पिलाना चाहिए। ये उन्हें बहुत कूल लगेगा और हेल्थ वाइज फ़ायदा पहुंचाएगा। पर जो माता पिता चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्टेनलेस स्टील में बच्चों को खाना पका सकते हैं। ध्यान रखें, स्टील अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक एलॉय यानी कि मिश्रित धातु है जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसमें खाना पकाना या बनाने में सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है। पर कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में खाना ना पकाएं। इसमें पके हुए भोजन को खाने से रोजाना शरीर में करीब 4 से 5 मिलीग्राम एल्युमिनियम जाते रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो सोचिए बच्चों पे क्या असर होगा, क्योंकि इंसान के शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना तेज नहीं होता है कि वो एल्युमिनियम जैसे हार्ड तत्वों को बाहर निकाल सके। इसलिए ये शरीर में ही स्टोर होकर रहता है। मगर जब भी हम टमाटर, नींबू या कोई दूसरी खट्टी चीज़ें खाते हैं तो ये एल्युमिनियम इसके साथ रिएक्शन करता है और उनके न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एसिडिक पदार्थों के खाने से एल्युमिनियम का रिएक्शन होता है। ये बॉडी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इसे शरीर का सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता।
ऐसा होने पर किडनी, लीवर की खराबी और हड्डियों की कमजोरी समेत और बीमारियां हो जाती है। आयुर्वेद साइंस में भी एल्युमिनियम को सबसे खराब धातु माना जाता है। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीय कैदी को सजा देने और उनको जल्द मरने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन में खाना देते थे। आपने खुद बर्तन का टेक्सचर बदलते हुए देखा होगा, तो इसलिए अगर चांदी नहीं तो स्टील यूज़ कर ले, पर एल्युमिनियम यूज़ ना करें, क्योंकि आपके बच्चों के हेल्थ से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो लोहा, पीतल, तांबा ये सब बर्तन भी सही है, पर खट्टी चीज़ों के साथ ये रिएक्ट करती है। नॉनस्टिक भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसे तो नॉनस्टिक बहुत हेल्दी है, क्योंकि उसमें बहुत कम ऑयल में सब कुछ बन जाता है, बट अगर उसके ऊपर की लेयर कहीं से घिस जाती है तो उसके नीचे का लेयर फूड से रिएक्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स को डैमेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि हमारी बेबीज़ के लिए ही नहीं, रैदर हमारे लिए भी सिल्वर बेस्ट बर्तन है, बट सब लोग उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट उसे यूज़ करें। तो अब हम समझ गए हैं कि सिल्वर के बर्तन यूज़ करने में बहुत फ़ायदा है, तो जल्दी से उसके मेंटेनेंस भी जान लेते हैं। ऐसे तो नॉर्मली दूसरे बर्तनों के जैसे ही उसे भी धो सकते हैं, पर धीरे धीरे उनकी साइन चली जाती है, तो साइन वापस लाने का इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए, इतना कि उसमें बर्तन डूब सके, फिर उसमें एल्युमिनियम फॉइल्स के कुछ टुकड़े डाल दे और 2 चम्मच कुकिंग सोडा डाल के गैस पे बिठा दे और पानी में उबाल आने दे, फिर उसमें अपने बर्तन डाल दे और 5 मिनट तक बॉयल होने दे, फिर गैस को बंद कर दे और बर्तन को सावधानी से निकाल ले, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होगी। फिर मेटल स्क्रबर से उसे एक बार धो ले, आपके बर्तन में फिर से पुरानी चमक लौट आएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।